हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेक्विडो स्टेप्स। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस रिजल्ट के हवाले से है। यूएचएस की तरफ से तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का जो रिजल्ट है, मॉड्यूलर सिस्टम का जो एनुअल का जो रिजल्ट है, वो अपलोड हो चुका है। आज की डेट में अपलोड हुआ है। उसकी हम बात करते हैं कि टॉपर्स किन मेडिकल कॉलेजेस के हैं, टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं, और इसके अलावा हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो रिजल्ट है वो कितना आया है। तो रिज़ल्ट अपलोड करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता चल जाए कि किस मेडिकल कॉलेज का रिज़ल्ट हमेशा से अच्छा आ रहा है, किसका बुरा रिज़ल्ट आता है, ताकि जो पेरेंट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो वो अगर नेक्स्ट किसी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वो किन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाएँ। तो इस हवाले से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये यूएचएस की तरफ से जो रिज़ल्ट अपलोड हुआ है वो मौजूद है। इसको मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है, और ये स्क्रीन पे भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास है अफवा मेडिकल कॉलेज, इसका रिज़ल्ट 72% आया है, और इसके बाद अक्सर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, इसका रिज़ल्ट 91.89, मतलब 92 है। अभी ना थर्ड ईयर का रिज़ल्ट है, वो भी इनका जो है वो 92 था। तो अक्सर सईद का रिज़ल्ट हमेशा भाई 90+ रहता है, ठीक है। और इसके बाद है अक्सर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, इसका रिज़ल्ट 97.96। वाओ, 97 है यार जो रावलपिंडी का है, ठीक है। तो मुझसे ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि लाइक एक वो मैडम है, वो मुझे अक्सर मैसेज करते कि उसकी बेटी का एडमिशन अक्सर सईद रावलपिंडी में एडमिशन हुआ, तो वो कैसा कॉलेज है, रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो भाई आप लोग देख सकते हैं रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया इसका, ठीक है। इसके बाद अल अलीम का रिज़ल्ट आपके सामने वो है 98 है, और इसके बाद है इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज, इसका 96 है। देन हमारे पास है अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, इसका 91 है, और इसके बाद है एविसिना मेडिकल कॉलेज, इसका रिज़ल्ट एविसिना का रिज़ल्ट है 77 है। एविसिना का इस दफ़ा भी रिज़ल्ट है ना कम है, क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम था तो कुछ चेंजेस हुई हैं इस दफ़ा, लाइक मतलब पढ़ने में, और क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम है इसमें पेपर 1 होता है, 2 होता है, पेपर 3 होता है। हमेशा एविसिना का रिज़ल्ट 90+ होता है, इवन के 98 पिछले, मतलब इनका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट है, थर्ड ईयर का रिज़ल्ट है वो 98-97 है, बट फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट इनका भाई अच्छा नहीं है, जो कि 77 है। इसके बाद है अजीज़ फातमा, इसका 87 है, और इसके बाद है अजीज़ फातमा के बाद हमारे पास है बख्तावर अमीन, इसका 87 है, और इसके बाद है सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज, इसका रिज़ल्ट 88 है, और इसके बाद है सेंट्रल पार्क का रिज़ल्ट 92 है, काफ़ी अच्छा है। डीजी खां मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के 95 है। देन हमारे पास है एफएमएस कॉलेज, इसका 94 है। देन हमारे पास है गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, इसका 88 है। देन हमारे पास है इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, इसका 87 है, सही है, अच्छा है। और इसके बाद है भाई इस्लाम मेडिकल कॉलेज 69, और लाहौर मेडिकल कॉलेज LMDC, इसका रिज़ल्ट है 93.43, और इसके बाद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टू, इसका जो रिज़ल्ट है वो 94 है, और एम इस्लाम का रिज़ल्ट 68 है, और MMDC मुल्तान मेडिकल कॉलेज का रिज़ल्ट है भाई 94, और इसके बाद है नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, इसका रिज़ल्ट आया 93 नवाज शरीफ, और इसके बाद है नियाजी मेडिकल कॉलेज, इसका 90 है, और इसके बाद पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज 90। देन है पाक रेड के बाद है पूंछ मेडिकल कॉलेज, इसका रिज़ल्ट 86 है, और 91 आपके सामने है कैद आज़म मेडिकल कॉलेज, इसका 91 है, और देन हमारे पास है भाई रहबर मेडिकल कॉलेज, इसका 90 है, और इसके बाद हमारे पास है राय मेडिकल कॉलेज, इसका 82 है, और 96 है भाई राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज, राशिद लतीफ़ का 96 है। वाओ, नाइस, गुड, मतलब सबसे अच्छा जो फिलहाल आया है वो है रावलपिंडी, जो है अक्सर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, उसके पास समझ लें 96 है इसका, राशिद लतीफ़ का भी अच्छा आया, ठीक है। इसके बाद RLKU, ये राशिद लतीफ़ का न्यू कैंपस है, ठीक है, इसका रिज़ल्ट है भाई 98.70। वाओ, नाइस, 98 है भी RLKU का, क्योंकि इन्होंने ना एक मसला ये किया, RLKU का रिज़ल्ट अच्छा इसलिए आया क्योंकि मैं एक मिनट में देख लूँ, एक दफ़ा RLKU, इन्होंने एडमिशन भेजे 78, इतने भेजे हैं 78, इन्होंने 22 स्टूडेंट्स के एडमिशन रोके हैं, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने फेल होना था इन्होंने उनके एडमिशन रोक लिए हैं, ठीक है। टोटल इन्होंने स्टार्ट में 25-27 स्टूडेंट्स के एडमिशन रोके थे, इसके बाद 3-4 स्टूडेंट्स के एडमिशन इन्होंने भेज दिए हैं, इन्होंने 19 स्टूडेंट्स के एडमिशन भेजे हैं जो स्टूडेंट्स मतलब पास हो सकते थे, इसलिए इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया। तो ये इन्होंने थोड़ी सी ट्रिक खेली है, मतलब
इतना अच्छा नहीं कह सकते। अपोजिट सेंस में देखा जाए तो भाई 22 स्टूडेंट्स के एडमिशन रुके हैं, वही स्टूडेंट्स फेल होने थे, ठीक है ना। तो जिनके एडमिशन रुके हैं उनसे पूछें कि अच्छा किए इन्होंने। तो खैर, तो रोके कॉलेज वालों ने, इस ये नहीं मत समझना कि कॉलेज वालों ने खुद रोके हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे हम रश लतीफ़ में RLKU में नहीं जाएंगे, ये उनको मतलब उनके हवाले से गलत बात कर रहे हैं कि वो एडमिशन रोकते हैं। मतलब वो स्टूडेंट्स के एडमिशन स्टूडेंट्स की वजह से रोकते हैं, स्टूडेंट जो कॉलेज नहीं जाते हैं, अटेंडेंस इनकी पूरी नहीं है, तो ये अथॉरिटी है उन्हें। UHS ने खुद कहा हुआ है 75 अटेंडेंस होनी चाहिए, सेंडे पास होना चाहिए, पेपर पास होना चाहिए। जिन स्टूडेंट के ये फेल होते हैं तो उनके एडमिशन रुकते हैं, तो इन्होंने उस वजह से रोके हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है भाई सहारा मेडिकल कॉलेज, इसका रिजल्ट 68 है। और इसके बाद है हमारे पास 94 पे साहिवाल मेडिकल कॉलेज, इसके बाद है सरगोधा मेडिकल कॉलेज, इसका है 82, सॉरी 92 है। और इसके बाद है 92 के बाद 95 है सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी सिम्स का। तो ये गवर्नमेंट के हैं कुछ कॉलेज इसमें, ठीक है, सिम का, सिम्स। और इसके बाद हमारे सामने आ जाता है भाई शायद इस्लाम मेडिकल कॉलेज, इसका 81 है। और 93 है शेख जायद खलीफा बिन जायद अल नहान का। शालामार मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट 99.28। तो सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट है वो किसके है, शालामार के 99.28। मैं आपके सामने देख रहा हूँ, ठीक है, 99.28 शालामार। शालामार का हमेशा रिजल्ट अच्छा आता है, मैंने नोट किया, ठीक है ना। इसलिए तो मतलब ये फर्स्ट कॉलेज है शालामार, FMH, शरीफ, LMDC, AMDC, इस तरह सीक्वेंस वाइज, यानी कि जिनकी अगर हम रैंक की बात करें यानी रिजल्ट्स के हवाले से और सारी चीज़ें। तो इसके बाद है शरीफ मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट 93 है। और इसके बाद है शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, इसका 91 है। 96 इसके बाद है सियालकोट मेडिकल कॉलेज, सियालकोट का 96 है। और इसके बाद है यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, UMDC 89। और इसके बाद है वतीम मेडिकल कॉलेज 72 है। तो वो जो मैडम थी अक्सर पूछती थी कि मुझे वतीम में जाना चाहिए था, वतीम का रिजल्ट हमेशा इतना अच्छा नहीं आता, ठीक है। मैंने कहा था नहीं आप AMDC रावलपिंडी में जाएँ, तो माशाल्लाह रिजल्ट उनका काफ़ी अच्छा आया। तो नेक्स्ट हमें नहीं पता, बुरा भी आ सकता है, बट फिलहाल के लिए उनका मतलब फर्स्ट सेशन था, ठीक है। पिछले साल जो एडमिशन हुए फर्स्ट ईयर के, अब जिनका रिजल्ट है उनका ये फर्स्ट सेशन था MBBS का, तो आपके सामने काफ़ी अच्छा आया। तो मैं देख लेता हूँ कि इन्होंने कितने स्टूडेंट्स के एडमिशन भेजे थे। अख्तर सईद रावलपिंडी में 99, मतलब देखें सबके एडमिशन उन्होंने भेजे, 100 सीट्स थी, 99 के एडमिशन उन्होंने भेजे। अब जो एक स्टूडेंट का नहीं भेजा, हो सकता है उस स्टूडेंट छोड़ गया हो, हम ये नहीं कह सकते उसका एडमिशन रुक है, हो सकता है रुक गया हो, नहीं मुझे नहीं लगता एक का रुकेंगे, तो वो छोड़ गया होगा या जो भी हुआ है, सबके एडमिशन उन्होंने भेजे हैं और रिजल्ट भी आपके सामने काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो AMDC रावलपिंडी गुड। ओवरऑल अगर हम बात करें UHS में रिजल्ट 88% आया है। और अगर हम टॉपर की बात करें, जिसकी फर्स्ट पोजीशन है वो शेख जैद अल नहान मेडिकल कॉलेज का है, ठीक है, शेख खलीफा बिन जैद अल नहान, ठीक है। और जो सेकंड पोजीशन है वो अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज की है, वाह माशाल्लाह। और थर्ड पोजीशन है भाई साहब अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की। फर्स्ट पोजीशन 826 पे है 900 में से, और सेकंड पोजीशन है 821 पे, और थर्ड पोजीशन है 812 पे। और इस दफ़ा डिस्टिंक्शंस कम हैं, पहले डिस्टिंक्शंस ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है, मतलब बायो कैम थी तो उसमें फिजियो इस तरह, अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें क्योंकि वो मिक्स हो गई हैं, एनाटॉमी भी होता है, फिजियो भी, तो इसलिए ज़ाहिर है ओवरऑल डिस्टिंक्शन इस दफ़ा कम हो चुकी हैं। पेपर वन में 60 हैं और पेपर टू में 262 हैं और पेपर थ्री में 158 यानी डिस्टिंक्शंस हैं। तो ये आपके सामने टोटल डिस्टिंक्शंस हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।